Hi everyone, I am and you are आज हमको क्या डिस्कस करना है हम सिक्स मंथ करंट अफेयर सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं मंथली करंट अफेयर जून का ओवर हो चुका है और जैसा कि प्रॉमिस था सिक्स मंथ करंट अफेयर के साथ हाजिर है तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स को फ्रॉम जनवरी टू जून ट्वेंटी इससे पहले एक वीडियो हमने six month, six month का लाया था आपके लिए जिसमें हमने सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स डिस्कस की थी राइट अब नाउ आई एम रिसीविंग वेरी मेनी रिक्वेस्ट आप में से बहुत सारे बच्चों के उस सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स वाले वीडियो पे इतने सारे कमेंट्स आए हैं कुछ बोल रहे हैं मैम पहले स्पोर्ट्स का कंपाइलेशन करवा दीजिए समाज सिंह मैम पहले इंडिसस करवा दीजिए कुछ का कहना है आ, क्या कहना है साइंस एंड टेक्नोलॉजी करवा दीजिए कुछ का कहना था मैम स्टेट न्यूज़ करवा दीजिए मेजोरिटी क्योंकि स्टेट न्यूज़ की तरफ डाइवर्टेड थे थोड़ा सो इसलिए अभी स्टेट न्यूज़ आपके लिए ले आए हैं लेकिन अंडरस्टैंड कि अगर कोई भी आपका कंपाइलेशन आपकी रिक्वेस्टेड टाइम पे नहीं आ पा रहा है सिक्स मंथ का पर्टिकुलरली तो एक सिंपल सा सोल्यूशन है उसका आप मंथली करंट अफेयर प्लेलिस्ट पर चले जाइए राइट मंथली करंट अफेयर प्लेलिस्ट आपको कहां मिलेगी चैनल के ऊपर मिल जाएगी ट्वेंटी की सी ए प्ले उसमें आप जाइए आपको सेक्शन वाइज सारे करंट अफेयर करवाते हुए मैं तो अगर आपको अपॉइंटमेंट्स पढ़ना है तो आप हर एक महीने का सिर्फ अपॉइंटमेंट पढ़ सकते हो अलग से टाइम स्टैम्स भी दिए हुए हैं वीडियो में अगर आपको साइंस टेक पढ़ना है तो पर्टिकुलरली वहाँ जाके आप पढ़ सकते हो ओके okay? जब तक ये वीडियो आते हैं एक ही वीडियो ला सकते हैं हम तो तब तक आप ये स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं वहां जाके पढ़ लीजिए सो दैट यू डू नॉट मिस आउट ऑन एनीथिंग इम्पॉर्टेंट वंस यूर सिटिंग इन एग्जामिनेशन ओके चलिए तो आज हम बात करेंगे सिक्स मंथस की स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर जो भी हम वीडियो करते जाएंगे उन्हीं के पी डी एफ आपको मिलते जाते हैं कहा परचम क्लासेस डॉट इन पे राइट और अगर जिन स्टूडेंट्स के पास अच्छा ये मैं बता दूँ सेम डे नाइट तक आ पाता है बिकॉज uh, वीडियो जब हम रिकॉर्ड करते हैं उसके बाद दो तीन घंटे लगते हैं हमें सारी एडिटिंग वगैरह करवाने में तो आपको पी बाय नाइट मिलेगा या फिर आप टमोरो uh, मॉर्निंग भी चेक कर सकते हो और जिन बच्चों के पास में पी बैंक है या फिर सी सब्सक्रिप्शन है ऐप के ऊपर तो उनको भी एड ऑन होता जाएगा बाकी बच्चों को वेबसाइट से बाय करना पड़ेगा और इन वाले बच्चों के ऑलरेडी ऐड होता जाएगा ओके बाकी कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं होता है सेम ही मटेरियल होता है सब जगह ओके okay, अगर आप लास्ट मिनट प्रिपरेशन या रिवीजन करना चाहते हो तो ये दो टूल आपके लिए अवेलेबल है परचम ऐप के ऊपर आप सीए रफ्तार देख सकते हो सारी छः महीने की हेडलाइंस या शॉर्ट फॉर्म में न्यूज़ आपको एक जगह मिल जाएगी सेक्शन वाइज और सवाल जिसमें कि सारे एम सी क्यूज इम्पोर्टेंट ऑल इंपॉर्टेंट एम सी क्यूज थ्री हंड्रेड प्लस एनसी क्यूज आपको हर क्वार्टर के दे दिए जाते हैं उनके साथ डिस्क्रिप्शन भी दिया जाता है तो ये लास्ट मिनट प्रिपरेशन के या फिर रिविजन के टूल्स के तौर पर आप यूज़ कर सकते हो परचम ऐप पर दोनों अवेलेबल है वेबसाइट पर भी अवेलेबल है ओके तो चलिए आज की वीडियो से शुरुआत करेंगे और आज एक क्वेश्चन है आपके लिए आज के वीडियो में इसका आंसर भी मिलेगा लेकिन उससे पहले अगर आपको आंसर आता है डू राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स मैं आप लोगों के आंसर्स का वेट करती हूँ बिकॉज ये सब कुछ मैं मंथली सी में पढ़ा चुके हूँ ऑलरेडी uh, आप डेली में, में पढ़ते हो वीकली सी में पढ़ते हो मंथली में पढ़ते हो अभी सिक्स मंथस कंपाइलेशन आ रहा है अभी भी आंसर नहीं दे रहे हो तो वेरी बैड चलो जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए माफ है आप गूगल करके भी आंसर लिख सकते हो द प्रपोस्ड बोकांग बालिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट विच वॉज इन न्यूज रिसेंटली इज टू बी बिल्ड ऑन विच रिवर कुछ महीनों पहले एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है यानी कि जो जल विद्युत परियोजना होती है प्रस्तावित थी यानी प्रपोज थी और उसका नाम है बोकांग बालिंग जल विद्युत परियोजना इसको लेके काफी ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहे थे एक स्टेट के अंदर तो आपसे उसी न्यूज के कॉन्टेक्ट में पूछा जा रहा है कि कौन सी रिवर है जिसके ऊपर ये प्रोजेक्ट प्रपोज्ड है और चार ऑप्शन आपके पास है गंगा नंदाकिनी मंदाकिनी या पिंडार तो उत्तराखंड से रिलेटेड ये न्यूज है इतना तो समझ में आ गया होगा नदी का नाम आप जल्दी से मुझे बताएंगे ओके okay, स्टार्ट करें पहली न्यूज के साथ सो so, हम ऊपर से लेकर के यानी नॉर्थ से लेकर के फर्दर साउथ मूव करेंगे लद्दाख जम्मू कश्मीर सो ऑन एंड सो फोर्थ सो न्यूज को इसी तरह से कंपाइल किया गया है सारी स्टेट न्यूज में से चुनिंदा स्टेट स्कीम्स आपके लिए निकाली गई हैं। बाकी सारी स्टेट न्यूज हम यहाँ कवर नहीं कर रहे हैं बी वेरी माइंडफुल ऑफ इट तो आप क्या हंड्रेड परसेंट सिर्फ सिक्स मंथ करंट अफेयर पढ़ जाओ तो टॉप स्कोर कर जाओगे सी में नहीं लेकिन आ, रिविजन के लिए या फिर अभी तक आपकी सी पे बहुत अच्छी पकड़ नहीं है और कुछ मार्क्स तो आ ही जाएं उसके लिए सिक्स मंथ सीरीज अच्छी है राइट लेकिन अगर बहुत स्ट्रांग होल्ड चाहिए तो मंथली करंट अफेयर डेली करंट अफेयर ये थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी तो मैं बताते चलूंगी मुझे ये नहीं चाहिए कि आप भर भर के बस सिक्स मंथ ही देखो नो दीज आर द लास्ट लास्ट मिनट प्रिपरेशन और रिविजन टूल्स ओके चलिए सो इंडियन नेवीज आउटरीच प्रोग्राम जुले लद्दाख या हेलो लद्दाख लॉन्च किया गया लद्दाख के अंदर क्या है नाम इसका जुले लद्दाख या हेलो लद्दाख ये जो आउटरीच प्रोग्राम है देखो इसमें हम स्कीम्स प्रोग्राम्स प्रोजेक्ट्स सारे पढ़ेंगे स्टेट न्यूज से रिलेटेड सो so, आपसे पूछा जाए जुले लद्दाख जो प्रोग्राम है वो किसने ऑर्गेनाइज किया लद्दाख के अंदर सो ये इंडियन नेवी ने किया ताकि इंडियन नेवी ने में जितनी भी अपॉर्चुनिटीज हैं जो भी प्रोजेक्ट्स हैं वो यूथ के साथ शेयर किए जा सके वेटरन्स जो होते हैं यानी जो सीनियर्स uh, हैं उनके साथ में इंटरेक्शन किया जा सके और उसके अलावा नारी शक्ति जैसे कुछ uh, एक चीज़ें हैं जिनमें कि फीमेल्स को भी इन्वॉल्व uh, किया जाता है तो इन सब के बारे में इंटरेक्शन करने के लिए ये जूले लद्दाख इंट्रोड्यूस किया किसने किया इंडियन नेवी ने आउटरीच यानी लोगों तक पहुँचने का यूथ तक पहुँचने का एक प्रोग्राम था ओके नेक्स्ट न्यूज हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट री ओल्ड पेंशन स्कीम तो ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए तो आ, काफी सारे स्टेट्स हैं जो ओल्ड पेंशन स्कीम की तरफ मूव करना करने लग गए हैं और उनमें से एक अभी रिसेंटली रहा हिमाचल प्रदेश तो क्या है ये ओल्ड पेंशन स्कीम ओल्ड पेंशन स्कीम के अंदर लाइफ लॉन्ग जब रिटायर हो जाते उसके हैं उसके बाद पेंशन प्रोवाइड करती है और ये सरकार प्रोवाइड करती है इक्वल टू फिफ्टी परसेंट ऑफ योर लास्ट ड्रॉन सैलरी लेकिन इस स्कीम को 2004 फर्स्ट जुलाई जब रिफॉर्म आए थे इकोनॉमिक uh, रिफॉर्म्स उसके बाद इसको बंद कर दिया गया था एक्सेप्शन था कि जो आर्म्ड पर्सनल हैं उनके लिए ये चलती रहेगी आई थिंक नेक्स्ट लाइट ने ये रॉ लिखा हुआ आर्म्ड फोर्सेस के लिए चलती रहेगी बाकी सबके लिए अब ये बंद कर दी गई है इसकी जगह न्यू पेंशन सिस्टम लाया गया न्यू पेंशन सिस्टम कब से लाया गया जनवरी टू से लाया गया इस पेंशन सिस्टम के तहत आप लोगों को कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा इंप्लाइज को कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा जैसे प्रोविडेंट फंड के लिए पीएफ के लिए कंट्रीब्यूशन होता है तो आप कंट्रीब्यूट कीजिए जब वो हो जाएगा उसके बाद आपको उसी में से पेंशन निकाल के दी जाएगी और 2004 के पहले क्या होता था कि गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती थी आपकी पेंशन को राइट तो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने वापस ओल्ड पेंशन स्कीम की तरफ रोक ले लिया यहां तक की बात समझ में आ गई okay, आगे चलते हैं एनपीएस लाइगा टोल्ड यू न्यू पेंशन सिस्टम इसको इंप्लीमेंट करता है पी एफ फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यह पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों पे ही लागू होती है जो न्यू पेंशन सिस्टम है और इसके लिए 18 टू 70 इयर्स का होना इसके बीच के लोग एनपीएस को ज्वाइन कर सकते हैं पार्टिसिपेटरी स्कीम है कैसी है पार्टिसिपेटरी यानी एम्प्लॉय खुद पार्टिसिपेट करेगा इस स्कीम के अंदर और आ, उसके बाद जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो गवर्नमेंट की तरफ से भी आएगा मैचिंग कॉन्ट्रीब्यूशन और फिर आपकी पेंशन बनती है चलिए आगे चलते हैं हिमाचल प्रदेश सीएम सुखू लॉन्चेस हिम डेटा पोर्टल हिम का मतलब हो गया हिमाचल तो हिंट मिल गया डेटा पोर्टल यानी जितने भी वेलफेयर स्कीम्स हो गई या आ, जो भी डेटा है सरकार का जो पब्लिक फोरम पे आना चाहिए उसको इंटीग्रेट करने के लिए एक जगह लाने के लिए हिम डेटा पोर्टल लॉन्च किया सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश के सारी वेलफेयर स्कीम्स हो गई तो एक कॉमन डिजिटल प्लेटफॉर्म है जितनी भी सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है उनका सारा डेटा एक जगह आपको मिल जाएगा और इसी के साथ साथ ये अनाउंसमेंट किया गया था कि जुलाई 2023 में एक हिम परिवार प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया जाएगा हिम परिवार प्रोजेक्ट यानी कि जितने भी आ, नागरिक हैं हिमाचल प्रदेश के उनका जो भी डिजिटल डेटा है राशन कार्ड से रिलेटेड हो सकता है आधार कार्ड हो सकता है या फिर उनकी डिजिटल आइडेंटिटी जो भी कुछ स्कीम से वो जुड़े हुए हैं वो सब कुछ एक जगह उनकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी सो डिजिटल परिवार प्रोजेक्ट उनके राशन कार्ड है फैमिली रजिस्टर जो हो गए इलेक्ट्रिसिटी ब्रिल ड्रिंकिंग वाटर जो भी कुछ फेसिलिटी सरकार उनको दे रही है उन सबकी डिटेल वहां पे आ जाएगी आगे बढ़े स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च नोजेक्ट संजीवनी टू इंश्योर दैट लाइफ स्टॉक इज प्रोवाइडेड क्वालिटी ट्रीटमेंट इन बाउंड मैनर तो सीधे हाल ही में इंट्रोड्यूसड एक प्रोजेक्ट है जिसमें लाइफ स्टॉक को क्वालिटी ट्रीटमेंट दिया जाएगा यानी जो मवेशी होते हैं जानवर होते हैं पालतू जानवर उनको क्वालिटी ट्रीटमेंट दिया जाएगा कौन से स्टेट में लॉन्च किया गया है तो संजीवनी बूटी हिमालय से लेकर के आए ऐसा याद कर लीजिए ठीक है तो हिमाचल से इसको जोड़ लीजिए संजीवनी बूटी कहाँ कहाँ पहुँच गए हा? हम हम रामायण में पहुँच गए ठीक है तो संजीवनी याद करने के लिए आप संजीवनी बूटी आ, हिमाचल प्रदेश हिमालय से जोड़ लीजिए तो याद हो जाएगा और इसका काम क्या है डोर टू तो डोर वेटनरी सर्विस प्रोवाइड करना तो जो भी जानवर होते हैं गाय भैंस पाले जाते हैं तो उन तक जो ट्रीटमेंट है वैक्सीनेशन हो गया अगर कोई बीमारी हो रही है तो ट्रीट करने के लिए और डोर टू डोर वेटनरी सर्विस किस कौन सा प्रोजेक्ट है संजीवनी प्रोजेक्ट ये ध्यान देगा उसी के अलावा एनिमल हजबेंड्री रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है इंसेमिनेशन करना होता है आर्टिफिशियल रोकथाम कैसे करनी है सारी जानकारियां भी दी जाएंगी ओके बस इतनी इंफॉर्मेशन है आगे चलते हैं उत्तराखंड बिकम्स फर्स्ट स्टेट टू स्टार्ट इंश्योरेंस स्कीम फॉर सेरीकल्चरिस्ट सेरीकल्चर क्या होता है क्या होता है जो आ, सिल्क वर्म्स होते हैं उनको उनका कल्चर करना यानी उनको पालना उसको ये पिक्चर में ज्यादा नहीं दिखेगा उसको सेरीकल्चर कहते हैं रेशम कीट का उत्पादन तो कौन सा स्टेट है जो पहला स्टेट बन गया जिन्होंने सेरीकल्चर्स के लिए एक इंश्योरेंस स्कीम स्टार्ट की है तो आंसर आ जाएगा उत्तराखंड उत्तराखंड ने की है सो so, रेशम कीट बीमा स्कीम यो, uh, या योजना इसका नाम है रेशम कीट रेशम, कीट, रेशम के जो कीड़े होते हैं एंड uh, इसके अंदर अभी 200 हंड्रेड सैरिकल्चर फाइव ब्लॉक्स चार डिस्ट्रिक्ट है बेसिकली जहाँ पे इसको शुरुआत की गई है और धीरे धीरे फिर पूरे स्टेट के अंदर डाला जाएगा एक्सटेंड uh, किया जाएगा देहरादून हरिद्वार उधम सिंह नगर और नैनीताल यहां पे अभी स्कीम को एज अ पायलट स्टार्ट किया गया है तो जो भी अगर क्लाइमेट खराब होता है बिकॉज सेरीकल्चर बहुत ज्यादा डेलीकेट uh, है अगर थोड़ा भी एनवायरमेंट में चेंज आएगा तो जो रेशम के कीट है वो उतना अच्छा फोकू नहीं बनाएंगे तो इस वजह से क्लाइमेट में चेंज आ जाए पानी की कमी आ जाए दूसरे कोई भी दिक्कत आ जाए तो इसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा और ये किसके तहत है सरल कृषि बीमा तो सरल कृषि बीमा के तहत ही रेशम कीट बीमा स्कीम उत्तराखंड ने सबसे पहले लॉन्च की है Then, ए हेल्प प्रोग्राम। कि पहला स्टेट है जिसने किया पूरे कंट्री में नो पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे ए हेल्प प्रोग्राम को मध्य प्रदेश ने और जम्मू एंड कश्मीर ने पहले ही सक्सेसफुली लॉन्च कर लिया है लेकिन अभी उत्तराखंड भी पहुंचा है तो व्हाट इज ए हेल्प प्रोग्राम इसका ए हेल्प का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए एक्रेडिटेड एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन So, एक एजेंट होगा एक इंसान जिसको ये काम दिया गया है जो लाइफ स्टॉक से रिलेटेड ही हेल्थ और उसके सारी चीजें देखेगा तो ये है ए हेल्प प्रोग्राम इसके अंदर विमेन को यूजुअली पशु सखी के तौर पर ट्रेन किया जाएगा और वो जाकर के लाइफ स्टॉक रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज हैं वो रिमोट एरियाज के अंदर गांव-गांव में जाकर के उनको हेल्प करेंगी ओके okay, तो अब वो आ, कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी हो छोटी छोटी बीमारियां उनसे रिलेटेड अगर कोई बातचीत बतानी हो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन वही सारी चीजें जो अभी हमने देखी थी पर यहाँ अब विमेन जो पशु सखीज अपॉइंट होंगी उनके थ्रू होगा ओके okay, जैसे अभी हमने संजीवनी में देखा था ना तो उसी तरह का है लेकिन विथ अ लिटल डिफरेंस और राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाना एनिमल्स की टैगिंग इंश्योरेंस वगैरह ये सारी चीज़ें इसके थ्रू देखी जाएंगी प्रोटेस्ट अगेंस्ट आ गया आपका किक स्टार्ट का तो है, जो एक प्रोजेक्ट है, धौली गंगा रिवर के इन और इस पे जो, जो लोकल्स है उन्होंने बहुत प्रोटेस्ट किया बिकॉज इकोलॉजी जो है नॉर्दर्न इंडिया की जो पूरा हिमालयन रीजन है उसकी बहुत सेंसिटिव होती जा रही है बिकॉज टूरिज्म बहुत बढ़ता जा रहा है प्रोजेक्ट्स बहुत बढ़ते जा रहे हैं कंस्ट्रक्शन बहुत बढ़ता जा रहा है और इसके एग्जाम्पल अभी भी हम देख रहे हैं क्लाइमेट इम्पैक्ट बहुत प्रोनाउंस होकर के वहां दिखता है ओके सो so, जो प्रपोज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है रिवर धौली गंगा पे पिथौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट इन उत्तराखंड पिथौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर है और इसको प्रपोज किया गया है 165 मेगावाट कैपेसिटी का ये होना है इसके अंदर कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम बनेगा और उसी के साथ अंडरग्राउंड पावर हाउस बनेगा और इसको प्रोटेस्ट किया जा रहा है एनएचडीसी इंडिया लिमिटेड है एक मिनी रत्न कंपनी है जो इसको इम्प्लीमेंट करवाएगी क्यों प्रोटेस्ट किया जा रहा है मैंने आपको समझा दिया ओके okay, अब देखिए क्योंकि धौली गंगा की बात निकली है तो धौली गंगा के बारे में थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा जब हम रिवर्स वगैरह भी पढ़ते थे स्टार्टिंग में तो मैंने आपको बताया था पंच प्रयाग बनते हैं विष्णु नंद कर्ण रुद्रदेव अगर थोड़ा बहुत उस समय से बच्चे अगर जुड़े हुए होंगे वो जान जाएंगे सो विष्णु नंद कर्ण रुद्रदेव विष्णु प्रयाग जो बनता है उसमें अलग नंदा में आकर के मिलती है धौली गंगा तो धौली गंगा धौली गंगा नीति पास के अराउंड ओरिजिनेट होती है नीति पास के अराउंड जो कि कहाँ पड़ता है गढ़वाल रीजन ऑफ उत्तराखंड में पड़ता है तिब्बत के साउथ वेस्ट तिब्बत वाले इलाके से नदी निकलती है ये अलकनंदा से मिलती है धौली गंगा अलकनंदा से मिलती है कहाँ पे विष्णु प्रयाग के अंदर और ये अलकनंदा की एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी यानी सहायक नदियाँ अलकनंदा की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं देखो धौली गंगा है नंदाकिनी है पिंडार है अल नंदाकिनी है ये सब इसकी सहायक नदियाँ क्योंकि इसमें आके जुड़ती है और अलकनंदा में ही जब भागीरथी आके जुड़ जाती है देव प्रयाग पे जो ये होता है उसके बाद जब नदी आगे बढ़ती है तो उसको गंगा कहा जाता है राइट तो आपने आ, धौली गंगा के बारे में समझ लिया चलिए तो ये न्यूज आई होप इज क्लियर टू यू नॉर्थ इंडिया फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट इनग्रेटेड अब देखो न्यूज ध्यान से सुना करो अगर आप बोलेंगे इंडिया का एग्जिस्टिंग लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट कहां चल रहा है तो वो चल रहा है तेलंगाना के अंदर ठीक है अगर आप बोलोगे अपकमिंग जो अब आएगा ठीक है अभी रेडी नहीं हुआ है तो वो मध्य प्रदेश के अंदर आएगा लेकिन अब बात की जा रही नॉर्थ इंडिया का नॉर्थ इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट इनगरेट हो चुका है और कहा इनागरेट हुआ है ये इनागरेट हुआ है चंडीगढ़ के अंदर वाटर वर्क चंडीगढ़ के अंदर ठीक है तो नॉर्थ इंडिया का लार्जेस्ट पूछा जाए जो इनॉगरेट हो चुका है चंडीगढ़ के अंदर है गवर्नर ऑफ पंजाब बनवारी लाल पुरोहित जी ने इसको इनागरेट किया है बस मोटी मोटी बात इतनी ही ध्यान रखनी है और इसमें कुछ ज्यादा नहीं है बात करने का उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट लॉन्चेस नंद बाबा मिल्क मिशन स्कीम सो so, अब पूछा जा सकता है नंद बाबा मिल्क मिशन स्कीम कौन से स्टेट के अंदर लॉन्च की गई है उत्तर प्रदेश देखो उत्तर प्रदेश कृष्ण जी से जुड़ा हुआ ही है है ना मथुरा वृंदावन सब उधर ही तो वहां से जुड़ा हुआ है तो नंद बाबा भी वहीं से जुड़े हुए हैं यूपी का एसोसिएशन आ जाएगा एक चीज़ मैं यही क्लियर कर दूं जो भी बच्चे अपने स्टेट लेवल एग्जामिनेशन देंगे तो आप सिर्फ इतनी इतनी चीज़ें पढ़ के या स्कीम्स को इतना सा पढ़ के एग्जाम फेस करने नहीं जा सकते आपको ऑफकोर्स अपने स्टेट की करंट अफेयर को और डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा जो हम यहां डील करते हैं वो मेजरली सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिहाज से होते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम में भी ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं बिकॉज जो भी स्कीम्स इंपॉर्टेंट है पूछ हैं गॉट इट तो ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन रखिएगा कि अगर आप स्टेट लेवल का कुछ भी फाइट करोगे और स्टेट जी और स्टेट करंट अफेयर विल हैव टू बी मच मोर इन डेप्थ उत्तर प्रदेश एज लॉन्च लंद बाबा ये जो मिल्क मिशन स्कीम है कितने लागत से कितनी कॉस्ट वन थाउजेंड करोर का इसके लिए आउटले रखा गया है इसका मेन काम क्या है इसका मेन काम है कि जो डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनती है वो गांव गांव में बन जाए ताकि एक इंसान को दूर दूर जा करके दूध नहीं बेचना पड़े आप वहीं पर बेच सकते हो और आपको अच्छे दाम मिल सके मेन इसका काम यही है तो डेयरी एफ जो होते हैं डेयरी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के तहत ये सारी कॉपरेटिव बन जाए और यूपी लीडिंग स्टेट भी है मिल्क प्रोडक्शन में दिस आई एम अज्यूमिंग दैट यू मस्ट बी नोइंग उत्तर प्रदेश लॉन्चेस एल्डर लाइन सर्विस टू गिव शेल्टर टू एल्डरली होमलेस सो एल्डर लाइन सर्विस जो कि जो ऐसे बेघर एल्डर्स जो हैं उनको शेल्टर देने के लिए चालू की गई है तो वो कौन से स्टेट ने चालू की है उत्तर प्रदेश ने चालू की इसका मेन काम क्या है कि उत्तर प्रदेश वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है उसने ऐसा किया है कि एक एल्डर हेल्पलाइन नंबर सर्कुलेट कर दिया वन नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है और जो भी कोई देखता है कि बेघर कोई बुजुर्ग है यहां वहां तो उस नंबर पर इन्फॉर्म कर सकता है और ये लोग आकर के उनको ओल्ड एज होम्स में ले जाएंगे तो ये पूरी इस हेल्पलाइन का एल्डर लाइन का मुख्य उद्देश्य है उत्तर प्रदेश के अंदर 75 फाइव ओल्ड एज होम्स है हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर सरकार का एक ओल्ड एज होम चलता है और अब ऐसा भी प्लान चल रहा है कि ओवर सिक्स एल्डरली इंडिविजुअल्स हैं जो ये ओल्ड एज होम्स में है उनको राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन स्कीम से भी जोड़ा जा सके ताकि थोड़ा बहुत फाइनेंशियल सपोर्ट उनको अपने जीवन यापन के लिए मिल जाए यूपी लॉन्चेस ऑपरेशन कन्विक्शन फॉर काउस लॉटर चाइल्ड केसेस तो ऑपरेशन कन्विक्शन कहाँ चालू हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर चालू हुआ जो भी क्रिमिनल या माफिया रिलेटेड एक्टिविटीज होती है उनको कर्ब करने के लिए कम करने के लिए चालू किया गया है और इसके तहत पॉक्सो एक्ट के तहत भी इस पर कार्यवाही की जाएगी जो चिल्ड्रन अब्यूज से रिलेटेड होता है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज पॉक्सो एक्ट के अंदर में आता है और ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत जो भी अपराधी होगा उसको तुरंत हिरासत में लिया जाएगा पूरा आपकी क्रिमिनल जो भी आपका रिकॉर्ड या केस है उसको स्टडी करने के बाद में चार्जशीट फाइल की जाएगी और चार्जशीट जो आपकी है वो चार्जेस जो भी लगने वो तीन दिन के अंदर लग जाएंगे उसके बाद थर्टी डेज के अंदर अंदर आपका ट्रायल हो जाएगा तो सब कुछ स्पीड अप करने के लिए भी ऑपरेशन कन्विक्शन को देखा जा रहा है कि ये काम में आएगा ओके नाउ मूविंग ओवर टू राजस्थान सो so, महिला निधि इज दी फर्स्ट एवर वुमेन्स को ऑपरेटिव फंड लॉन्च बाय स्टेट और यूनियन टेरिटरी महिला निधि क्या नाम है महिला निधि फर्स्ट एवर वुमेन्स को ऑपरेटिव फंड पहला वुमेन को ऑपरेटिव फंड वो कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है राजस्थान ने लॉन्च किया है सो so, अशोक गहलोत जी का अप्रूवल आगे एक प्रपोजल था 80 परसेंट इंटरेस्ट सब्सिडी मिल जाए लोन्स के ऊपर अगर महिलाएं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं महिलाओं का अगर कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप है और वो महिला निधि के थ्रू अगर कोई भी लोन लेती है तो 80 प्रतिशत की सब्सिडी पे वो लोन उनको मिल जाए और इसको 2022 के अंदर लॉन्च किया गया था राष्ट्रीय महिला निधि को लेकिन अब उसमें ये जो प्रपोजल था ना 80 परसेंट इंटरेस्ट सब्सिडी का उस पर अप्रूवल मिल चुका है इस महिला निधि को फिफ्टी करोड़ की के सेंक्शन के साथ में दो साल के लिए लॉन्च किया गया था और इसमें फोर्टी थाउजेंड रुपीज तक का जो लोन है वो फीमेल्स विद इन फोर्टी एट आवर्स उनको सैंक्शन कर दिया जाता है चालीस हज़ार से ऊपर का है तो पंद्रह दिन के अंदर सैंक्शनिंग हो जाती है और एक तरह से महिला निधि ये जो पूरा सिस्टम हो गया या एक आ, एक फंड हो गया ये एक पैराल बैंकिंग सिस्टम की तरह फिनेंशियल सिस्टम की तरह वर्क करने के लिए बनाया गया है कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम हम इसको कह सकते हैं एक ऐसी बॉडी के तौर पर इसको स्टैब्लिश किया गया इसके इस चैनल के थ्रू जो कुछ एक सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आएंगे तो उनको बहुत हाईली सब्सिडाइज लोन्स वगैरह प्रोवाइड किए जाएंगे ओके पीएम लॉर्ड्स न्यू इनिशिएटिव ऑफ़ सेलिब्रेटिंग प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना एज भराई सेरेमनी इन दौसा राजस्थान सो so, दौसा राजस्थान में एक ऐसा ट्रेंड देखा गया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है जिसको कहते हैं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो एक्सपेक्टिंग या लेक्टेटिंग मदर्स होती हैं जिनकी डिलीवरी होने वाली या हो चुकी है शिशु बहुत छोटा है तो उनको इस योजना से जोड़ा जाता है और उनको फिनेंशियल एड दी जाती है पाँच हज़ार रुपये उनको मिलते हैं तीन इंस्टॉलमेंट के अंदर लेकिन राजस्थान की एक डिस्ट्रिक्ट है दौसा दौसा में एक चलन लगा चालू किया गया कि जो कम्यूनिटी में जो भी ऐसी महिलाएं हैं जिनकी डिलीवरी होने वाली या हो चुकी है उनको इकट्ठा किया जाता है गोद भराई या जो हम बेबी शावर बोलते हैं वो रस्म के दौरान ही बच्चों के लिए गिफ्ट वगैरह भी दिए जाते हैं साथ साथ इस स्कीम से जोड़ भी दिया जाता है उनको ओके okay, तो इस इनिशिएटिव को प्रधानमंत्री जी ने अप्रिशिएट किया था राइट right? बस इतनी सी बात है और इसलिए ये जो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है ये इंपॉर्टेंट हो जाती है जानना तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना एज अ ग्रोथ भराई सेरेमनी कहाँ मनाई गई दौसा इन राजस्थान मनाई गई और प्रेग्नेंट वीमेन जो हैं उनको अब जिनकी डिलीवरी होने वाली है उनको न्यूट्रिशनल किट्स प्रोवाइड किए जाते हैं उनके और बच्चों की हेल्थ के लिए करीब साढ़े तीन लाख फीमेल्स को इस डिस्ट्रिक्ट में जोड़ लिया गया स्कीम से नॉट इस डिस्ट्रिक्ट में सॉरी पूरे राजस्थान में तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शुरुआत कब होती है एक जनवरी 2017 को होती है 2017 को होती है सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है लाइक आई टोल्ड यू इसमें 5000 तक का कैश इंसेंटिव मिलेगा और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर में आती है विद स्टेट एलोकेटेड थर्टीन करोड़ टू इंप्लीमेंट द प्रोजेक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग वॉटर कलेक्टेड इन चंबल रिवर टू अदर डिस्ट्रिक्ट यानी कि कौन सा राज्य है जिसने तेरह करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं आवंटित किए हैं ताकि जो चंबल नदी में पानी इकट्ठा होता है भरता है उसके दू, उसको दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में पहुंचाया जा सके जब बहुत हैवी रेन्स होती हैं तो चंबल उफान पे आ जाती है चंबल में बहुत एक्सेस वाटर हो जाता है और कई जगहों पे वाटर की कमी है राजस्थान में तो इस चंबल के वाटर को दूसरे डिस्ट्रिक्स तक डाइवर्ट करने के लिए थर्टीन थाउजेंड एलोकेट किए गए हैं कौन से स्टेट के अंदर राजस्थान के अंदर राजस्थान के अंदर चलो यहीं पे एक सवाल पूछ लू आपसे बताइए मुझे चंबल रिवर चंबल रिवर राजस्थान के अलावा क्या किसी स्टेट में और बहती है अगर हां तो स्टेट का नाम दीजिए नहीं बहती तो नो लिख दीजिए ठीक है चलिए गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने एलोकेट किया है ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट का नाम क्या है जिसके तहत चंबल नदी का पानी डाइवर्ट या डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा ईस्ट ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट जो साउथ ईस्टर्न पार्ट है राजस्थान का वहां पे बहुत सूखाग्रस्त एरियाज है वहां तक पानी पहुंचाया जाएगा तो सदर्न राजस्थान रिवर्स जैसे कि चंबल और उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं कुन्नू पार्वती काली सिंध उनसे साउथ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में पानी पहुंचाने के लिए होगा और ये थर्टीन डिस्ट्रिक्ट जो है स्टेट की उनसे ये कैनाल होकर के गुजरेगा पुरुषोत्तम रूपाला लॉन्च सागर परिक्रमा फेज टू फ्रॉम हाजिरा पोर्ट सागर परिक्रमा का फेज टू दूसरा चरण लॉन्च किया हाजिरा पोर्ट से पोर्ट कहा गुजरात पोर्ट कहा गुजरात सो so, पुरुषोत्तम रूपाला जो कि मिनिस्टर हैं यूनियन मिनिस्टर फिशरी एनिमल हस्बेंड्री और डेरिंग के उन्होंने सागर परिक्रमा फेज टू इनिशिएटिव लॉन्च किया और हाजिरा पोर्ट गुजरात से लॉन्च किया अब ये क्या है कोस्टल कोस्टल एरियाज में होते हुए और इन्फॉर्मेशन देने का और फिशरीज को सेफ और प्रोडक्टिव बनाने के लिए पूरा इनिशिएटिव है पोर्ट सिटीज आ, को कवर करता हुआ तो वो समझ लीजिए कोस्ट लाइन जो महाराष्ट्र के गुजरात से चालू होकर महाराष्ट्र की कोस्ट लाइन तक ये जो परिक्रमा है सागर परिक्रमा फेज वो जाएगा और ये सासा डॉक जो है मुंबई में वहां तक कवर करेगा बीच बीच में सतपरी वेसाई वर्सोवा इन सबको कवर करता हुआ जाएगा मेन एम क्या है टू डिसिमिनेट इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस फिशरीज रिलेटेड स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स जो कि सरकार चला रही है भाई जो भी फिशरमैन कम्युनिटी है उनके भले के लिए प्लस साथ साथ में उनको रिस्पॉन्सिबल फिशिंग से रिलेटेड बातें बताने के लिए ये पूरी सागर परिक्रमा इनिशिएटिव चलाया जाता है उसका फेज टू लॉन्च हुआ है हाजरा पोर्ट से हाजरा पोर्ट का है गुजरात के अंदर है ओके okay? चलते हैं आगे 20th एनिवर्सरी ऑफ स्वागत इनिशिएटिव स्वागत नहीं ही करो ये हमारा सो स्वागत इनिशिएटिव की 20th एनिवर्सरी मनाई गई अब क्या है ये स्वागत इनिशिएटिव तो समझ लेते हैं स्वागत का फुल फॉर्म है स्टेट वाइड अटेंशन स्टेट वाइड अटेंशन ऑन ग्रीवेंस बाय एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी तो पूरे स्टेट में अटेंशन दिया जाए ग्रीवेंस यानी जो भी शिकायतें आ रही है टेक्नोलॉजी के माध्यम से यह है स्वागत और इसकी बीसवीं वर्षगांठ मनाई गई ये गुजरात के अंदर लॉन्च किया गया था और जब पीएम मोदी वहां के सीएम थे अप्रैल 2003 के अंदर इसको लॉन्च किया गया था सो तो ये गुजरात से जुड़ी हुई एक इनिशिएटिव है अब इसको बीस साल पूरे हुए हैं तो इसको पीएम मोदी ऑल्सो पार्टिसिपेटेड बाय डिजिटल कॉन्फ्रेंसिंग इन ऑल ओके सो so, इसका काम किया ग्रीवेंस से नई शिकायतें जो हैं वो सरकार तक पहुंचे पर डिजिटल माध्यम से पहुंचे अब तो ये हर कोई कर रहा है लेकिन उस समय ये पहल के रूप में देखा गया था एमपी पे आ जाते हैं एम कैबिनेट अप्रूव्स लाडली बहना योजना लाडली लक्ष्मी योजना थी वो भी मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई थी लाडली बहना योजना है सो लाडली बहना योजना भी वेमेन को एम्पावर करने के लिए है इसके तहत एक मंथली डिपॉजिट किए जाएंगे इन अकाउंट ऑफ ऑल दुम इन दी स्टेट क्टिव ऑफ कास्ट क्लास एक्सेट्रा लेकिन वो तेईस साल से ऊपर की उम्र की होनी चाहिए ओके okay? और सिक्सटी थाउजेंड करोड़ इस पूरी स्कीम पे पांच साल में स्पेंड किए जाने हैं सो so, लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश एक हजार रुपए मासिक अकाउंट के अंदर तेईस साल से उम्र से बड़ी महिला के लिए इस योजना को पांच मार्च दो हजार तेईस में लॉन्च किया गया मध्य प्रदेश गवर्नमेंट लॉन्च चीफ मिनिस्टर्स रेजिडेंशियल लैंड स्कीम एमपी ने एमपी गवर्नमेंट ने क्या लॉन्च किया है चीफ मिनिस्टर्स रेजिडेंशियल लैंड राइट्स स्कीम यानी 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 कि 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 हिंदी में लिखा हुआ होगा मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना ओके okay, चलिए सो so, मुख्यमंत्री भूमि अधिकार योजना की शुरुआत की गई कहां से नंबर वन अब इसके तहत क्या होगा देखो रेजिडेंशियल लैंड राइट्स यानी सबके पास लैंड राइट्स होने चाहिए यानी कि जो भी लोग अपना खुद का घर नहीं बना पाते उनको लैंड दिया जाएगा कि आप अपना घर बना लीजिए ओके तो उसी से रिलेटेड है समझिएगा टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट जो है वहां से इसकी शुरुआत की गई मुख्यमंत्री भूमि अधिकार योजना की या भू अधिकार योजना की और पूरे स्टेट के अंदर इसको लॉन्च किया गया हर बेनिफिशियरी जिसको इससे जोड़ा जाएगा उसको एक प्लॉट दिया जाएगा 600 स्क्वायर फीट का जिसमें वो अपना घर कंस्ट्रक्ट करवा सकता है ठीक है और ये किसके इसमें वेरियस कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस बहुत सारी स्कीम्स को साथ में लेते हुए है। जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो है उसके तहत भी जो लोग आ रहे हैं उसको भी इससे जोड़ दिया जाएगा राइट सो रेसिडेंशियल लैंड राइट स्कीम यानी कि भू अधिकार योजना uh, मध्य प्रदेश के अंदर शुरू की गई है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना सीखो कमाओ यानी ट्रेनिंग लो और फिर कमाओ सो so, सीखो कमाओ योजना मध्य प्रदेश ने स्टार्ट की है चीफ मिनिस्टर्स लर्न एंड अर्न स्कीम अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए जिन्होंने अपना ट्वेल्थ या डिप्लोमा या ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है पर अभी नौकरी नहीं मिली है उनके लिए है सो so, ट्रेनिंग इन 700 हंड्रेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क अक्रॉस सेक्शन अलग अलग सेक्टर्स तो बहुत सारे सेक्टर डिफाइन कर दिए हैं इन सब में आपको ट्रेन भी किया जाएगा ताकि आप बाद में कमा सके इसमें फर्दर देख लीजिए स्टाइपेंड भी मिलेगा सीखो और कमाओ मतलब आप ट्रेनिंग भी लीजिए और उसमें आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा तो आप कमा भी सकते हैं तो अगर आप ट्वेल्थ स्टाइपन वेरी करेगा ट्रेनिंग तो ठीक है जैसे अगर आपने uh, बारहवीं पास किए तो आठ हजार रुपये का स्टाइपन मिलेगा अगर आपने आई टी आई किया एटी फाइव हंड्रेड का मिलेगा डिप्लोमा किया नाइन थाउजेंड का अगर आप हायर डिग्रीज हैं आपके पास में तो टेन थाउजेंड रुपी पर मंथ का आपको स्टाइप uh, मिलेगा विच इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव आई बिलीव मेरा पर्सनल ओपिनियन है सो मंथली स्टाइपन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बेसिस पे अगर आपको पढ़ाई करने के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही है आप काम सीखिए आप स्टाइपन भी लीजिए और फिर आप अपने रोजगार पर जा सकते हो वाके मिड स्टेट लॉन्च मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना वृक्ष संपदा so, मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना छत्तीसगढ़ ने शुरू की है छत्तीसगढ़ ने अब इसको चीफ मिनिस्टर ट्री वेल्थ स्कीम भी कहते हैं और इसके तहत जो फार्मर्स हैं उनको कमर्शियल प्लांटेशंस के लिए सब्सिडाइज लोन्स वगैरह प्रोवाइड किए जाएंगे यानी ऐसे पेड़ लगाइए जो आगे जाकर के Uh, कुछ ऐसी पैदावार कर रहे हैं जिनको आप कमर्शियल स्केल पे बेच सकते हो ओके okay? जैसे एग्जाम्पल कैन बी एनीथिंग आप फ्रूट्स से रिलेटेड भी कर सकते हो नहीं तो जो ऑयल से रिलेटेड होते हैं वो भी कर सकते हो सो so, ऐसे प्लांटेशन जो कमर्शियल स्केल पे आगे, आगे आपको लेके जा सके स्कीम हैज़ बीन लॉन्च एम है इंक्रीजिंग द इनकम ऑफ फार्मर्स बाय प्रमोटिंग कमर्शियल प्लांटेशन रूरल एरियाज के अंदर ओके okay? और सब्सिडाइज ट्री प्लांटेशन के लिए सब्सिडीज गवर्नमेंट इसमें प्रोवाइड करेगी अप टू फाइव एकड़ ऑफ लैंड पे अगर आप कर रहे हो तो पूरी हंड्रेड परसेंट सब्सिडाइज है और फाइव एकड़ से ज्यादा अगर लैंड पे कर रहे हो तो फिफ्टी परसेंट सब्सिडाइज ओडिशा सी एम डिस एट सेवनटी सेवन करोर टू ओवर फोर्टी थ्री लैक फार्मर्स अंडर कालिया स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छी स्कीम है कालिया स्कीम पढ़ने में जहाँ तक मुझे पता है अच्छी है ग्राउंड रियालिटी ऑफकोर्स जो वहाँ के लोग होंगे वही बता पाएंगे सो ओडिशा सी एम ने जो रवीन पटनायक जी हैं उन्होंने जैसे ही जो उत्कल दिवस आता है सो वॉट इज दिस उत्कल दिवस उत्कल दिवस एक अप्रैल को पड़ता है ओडिशा दिवस भी इसको बोलते हैं और उस दिन ये स्कीम लागू की जाती है कालिया स्कीम जिसके तहत अब खरीफ सीजन है मानसून सीजन है तो चावल वगैरह की बुआई होगी तो जो फार्मर्स हैं उनको कालिया के तहत फिनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है सो so, कृषक असिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन इसका फुल फॉर्म है और जो कि इम्पोर्टेंट भी है ठीक है और ये दिसंबर 2018 में लॉन्च की गई थी और हर साल फिर ये डायरेक्ट बेनिफिट होता है फिनेंशियल बेनिफिट होता है जो फार्मर्स के खाते में पहुंचा दिया जाता है टोटल 877 सेवेंटी सेवन करोड लाख लोगों के खाते में पहुंचाए गए वो घर योजना वो घर मेरा घर तो किससे रिलेटेड होगी अगेन जो लोअर इनकम ग्रुप वाले लोग हैं जो अपना घर बना नहीं पा रहे हैं बीच में छूट गया है उनको अपना घर बनाने के लिए असिस्टेंस दी जाएगी सो so, मो घर योजना ओडिशा सीएम ने लॉन्च की अनाउंस की हाउसिंग स्कीम है रूरल पुअर के लिए सो क्रेडिट लिंक्ड फाइनेंशियल असिस्टेंस है बेनिफिशरीज को दी जाएगी टू कंप्लीट और अपग्रेड देयर हाउसेस घर है पर टूट फूट गया है बनवा लो है ही नहीं तो बनवा लो और इसमें वो सारी फैमिलीज कवर की जाएंगी जो किसी भी एग्जिस्टिंग स्कीम का हिस्सा नहीं बन पाई है और ऑफ कोर्स लोअर तबके में आती है फाइनेंशियली हाउसिंग लोन अप टू थ्री लैक्स दिया जाएगा मोघर योजना के तहत ओडिशा कैबिनेट अप्रूव एडिशनल वन थाउजेंड करोर फॉर आपदा योजना सो एबीए कैबिनेट ने अप्रूव किया है भाई पहले अप्रूवल मिला था आपदा क्या अभी मैं बताऊंगी लेकिन पहले अप्रूवल मिला था थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड एंड एट करोड़ रुपीज सैंक्शन हुए थे इस योजना के तहत जो पुरी है ना जहाँ जगन्नाथ जी का मंदिर है जो पूरा पुरी है उसको डेवलप करने के लिए हेरिटेज सिटी हेरिटेज साइट भी हो गई सिटी भी हो गई तो उसको डेवलप करने के लिए ये पूरा प्रोजेक्ट लाया गया था आपदा तो उसमें इनिशियली सैंक्शन किए गए तीन हजार दो सौ आठ करोड़ रुपए लेकिन अब एक हजार का एडिशनल सैंक्शनिंग आ गया बिकॉज कुछ और प्रोजेक्ट्स बढ़ा दिए गए हैं एड ऑन कर दिए गए हैं राइट right, तो अब आपदा देख लीजिए ऑगमेंटेशन ऑफ बेसिक कम्युनिटीज ऑगमेंटेशन यानी बढ़ाना बेसिक कम्युनिटीज एंड डेवलपमेंट ऑफ हेरिटेज एंड आर्किटेक्चर ठीक है तो पूरी जो एरिया है पूरा पूरी जी का वो उसको डेवलप करने के लिए फर्दर ये आपदा स्कीम लॉन्च की गई थी कब की गई थी सेवनटीन एटीन में की गई थी राइट right? और उसका आउटले मैंने आपको बता दिया अब उसको बढ़ा दिया गया तो पूरा जो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर तो पर पूरी का राइट दैट इज ए हाँ, ट्वेंटी 2017 से 24, 25 वाले पीरियड के लिए ये पूरी स्कीम का आउटले है विद स्टेट यूनियन टेरिटरी लॉन्च आदर्श कॉलोनी इनिशिएटिव, तो देश में पहली बार आदर्श कॉलोनी इनिशिएटिव की शुर। शुरुआत होती है कौन सा स्टेट कर रहा है ओडिशा कर रहा है ओडिशा कर रहा है अभी क्या है आदर्श कॉलोनी अगर कोई भी एरियाज हैं जो कि Uh, किसी क्लाइमेट चेंज के चलते या अर्थक्वेक आ गया या साइक्लोन आ गया इसके तहत अगर कोई भी आप कोई एक पर्टिकुलर एरिया पूरा तबाह हो जाता है वहाँ के लोगों का क्या करूँ तो वहाँ आप उनके लोगों को आप आदर्श कॉलोनी में रिहेबिलिटेट कर सकते हो उसके लिए एक आदर्श कॉलोनी बनाई जा रही है और ये किसने लॉन्च किया ओडिशा सीएम ने लॉन्च किया इसके लिए 22.5 करोड़ रुपए सेंक्शन किए गए हैं इंडिया की पहली रीसेटलमेंट कॉलोनी है जो कि कोस्टल इरोजन या क्लाइमेट चेंज से जो लोग बेघर हो जाते हैं घर बार छूट जाता है उनको स्टैब्लिश किया जाएगा वापस ठीक है और द कॉलोनी विल बी सेटअप इन केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट यहां पे इस कॉलोनी को बनाया जाएगा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज ड्रिंकिंग वाटर इलेक्ट्रिसिटी रोड जितने भी डिस्प्लेस लोग हैं उनके लिए सारी सुविधाएं इस आदर्श कॉलोनी में रखी जानी है वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी लॉन्चेस फ्लैगशिप रोड प्रोजेक्ट पाथश्री रास्तश्री पाथश्री रस्ताश्री पथ श्री रस्ता श्री जो ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का वो सिंगूर के अंदर लॉन्च किया गया रोड कनेक्टिविटी लास्ट माइल तक पहुंचाने के लिए यानी गांव गांव के जो कोने कोने उनको भी रोड से जोड़ा जा सके पथ यानी रस्ता पथ और रास्ता राइट सो एम्स टू स्ट्रेंडन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी विलेजेस तक ट्वेल्व किलोमीटर रोड बनाई जाएंगी ट्वेंटी डिस्ट्रिक्ट के अंदर थ्रू दिस अच्छा अब ये बीच में वेस्ट बंगाल आ गया था ओडिशा की एक और भी न्यूज रह गई है ओडिशा सीएम लॉन्चेस मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना कहाँ शुरू हुई है ओडिशा के अंदर हुई है संपूर्ण पुष्टि तृप्ति हो जाए संपूर्ण तृप्ति हो जाए पुष्टि मेरे मैं इसका इसी कॉन्टेक्स में समझ रही हूँ सो so, अब इसमें देखें न्यूट्रिशन से रिलेटेड ये स्कीम है और ये जो टीनेज एज गर्ल्स हैं उनके लिए जो कि 15 टू 19 इयर्स की हैं देन प्रेग्नेंट और लेक्टेटिंग मदर्स के लिए या फिर बच्चे जो 6 साल से छोटी उम्र के और सिवियरली अंडर वेट है उनको न्यूट्रिशनल उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए आ, स्कीम को लाया गया है संपूर्ण पुष्टि योजना तीन हजार तीन सौ फिफ्टी फोर पॉइंट फोर जीरो करोड़ का आउटले इसमें किया गया है और इसकी शुरुआत दो हजार तेईस चौबीस से की जानी है देन आयुष्मान असोम आयुष्मान असोम आयुष्मान हम बोलते हैं आपकी उम्र अच्छी रहे जिंदा रहो खुश रहो हेल्दी रहो तो ये मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना हेल्थ से रिलेटेड एक स्कीम है जो कि असम में शुरू हुई है नाम से ही समझ में आ रहा है सीएम लॉन्चेस आयुष्मान असम स्कीम या आयुष्मान असोम स्कीम अंडर मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना इसमें कैशलेस मेडिकल ट्रीटमेंट होगा पांच लाख रुपए तक का पर फैमिली पर ईयर और इसमें करीब ट्वेंटी सिक्स लाख फैमिलीज को जोड़ा जाना है इजी अफोर्डेबल एक्सेसिबल ट्रीटमेंट ले सकते हैं करीब फिफ्टीन हेल्थ केयर प्रोसीजर्स हैं जिसको इस स्कीम के तहत कवर किया जाएगा जो भी एम्पेनल्ड हॉस्पिटल होंगे जो भी स्कीम से जुड़ेंगे वहां पे आप ये सारे इलाज करवा सकते हैं 300 करीब करीब एम्पेनल्ड हॉस्पिटल्स होने हैं चलिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट लॉन्च नमो शतकारी महासम्मान योजना क्या नाम है नमो शेतकारी महासम्मान योजना महाराष्ट्र ने लॉन्च की है इसके अंदर फार्मर्स को फाइनेंशियल बेनिफिट देने के लिए है तो एक फाइनेंशियल स्कीम है जिसमें सिक्स थाउजेंड रुपीज एनुअली विल बी पेड टू फार्मर्स इन द स्टेट एडिशनल है क्योंकि पीएम किसान योजना ऑलरेडी चल रही है जिसके तहत छह हजार रुपए की फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है फार्मर्स को यह एडिशनल हो जाएगी तो यहां पे जो किसान हैं उनको बारह हजार रुपए प्रति साल मिलेंगे महाराष्ट्र सीएम लॉन्चेस एशिया लार्जेस्ट क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम सो क्लस्टर डेवलपमेंट क्या होता है जब बहुत सारा कंस्ट्रक्शन uh, का वर्क एक साथ पूरे क्लस्टर में रीजन uh, होता मतलब एक छोटा इलाका हो गया फिर एक क्लस्टर हो गया जिसमें बहुत सारी बिल्डिंग्स uh, आ जाएंगी तो पूरे क्लस्टर का एक साथ डेवलपमेंट करना उसको क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम कहा गया क्लस्टर कहा शुरू ने किया है थाने के अंदर. और एशिया का शुरू होगा नहीं हो गया लॉन्च कर दिया गया है ऐसी so, बिल्डिंग जो कि डेंजरस मानी जा रही है बहुत जर्जर हो गए या फिर होनी ही नहीं चाहिए थी उनको हटा करके प्रॉपर तरीके से वापस निर्माण किया जाएगा और बड़े एरिया में एक साथ किया जाएगा इसलिए इसको क्लस्टर डेवलपमेंट कहा जा रहा है तो ऐसी टाउनशिप डेवलप की जाएगी जिसमें हेल्थ स्पोर्ट्स रिक्रिएशन पार्किंग मंडी सारी फैसिलिटीज दी जानी है का कंस्ट्रक्शन फर्स्ट फेज में स्टार्ट होगा कहां पे थाने के अंदर तेलंगाना टू इंट्रोड्यूस रुपीज फाइव लैक इंश्योरेंस स्कीम फॉर टॉडी टैपर्स जो ताड़ी निकालते हैं ना पाम से जो ताड़ी निकलती है टैडी टैडी टॉडी बोलते हैं इंग्लिश में सो इन लोगों के लिए तेलंगाना सरकार इंश्योरेंस स्कीम लेकर के आया है फाइव लाख की पहले अपने व्यूवर्स के लिए भी लाया था फार्मर्स के लिए भी लाया था तो अब इनके लिए भी आ गया और इसकीम का इंश्योरेंस स्कीम का नाम क्या है गीता कर्मकुल बीमा गीता था बीमा बीमा एंड चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव जी ने इसको अनाउंस किया है इंश्योरेंस मनी है पांच लाख का अगर टॉडी निकालते टाइम ताड़ी निकालते टाइम Uh, फार्मर की डेथ हो जाती है गिर जाता है या फिर एक्सीडेंटली किसी भी तरह से उसकी डेथ हो जाती है इस पूरे प्रोसेस के अंदर तो फाइव लाख रुपीस का जो इंश्योरेंस है विद इन अ वीक उसके अकाउंट में जमा कर दिया जाएगा उसके फैमिली के पास न्यू हेल्थ प्रोग्राम आरोग्य महिला लॉन्च फॉर वीमेन इन तेलंगाना एक एक प्रोग्राम है ना स्कीम जैसा नहीं है प्रोग्राम है आरोग्य महिला हर ट्यूजडे को और आ, बहुत सारे टेस्ट हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट करे जाएंगे हंड्रेड हेल्थ केयर सेंटर्स में और मेडिसिन भी फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी तो वेमेन के लिए रखा गया विमन यूजली अपनी हेल्थ को बिल्कुल लास्ट प्रायोरिटी पर रखती है पहले बच्चे को देख लो फिर फैमिली को देख लो हस्बैंड को देख लो एटसेट्रा सो so, ये एक इनिशिएटिव है जिससे फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा सो मेजोरिटी ऑफ द वीमेन विल बी गोइंग एल टेकिंग द बेनिफिट आउट ऑफ इट ये इसके पीछे का इंटेंशन है आंध्र प्रदेश सी एम लॉन्चेस मछलीपट्टनम पोर्ट प्रोजेक्ट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ तो मछलीपट्टनम पोर्ट प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च हुआ है आंध्र प्रदेश के अंदर लॉन्च हुआ है एंड फिफ्ट फाइव थाउजेंड वन हंड्रेड एंड फिफ्टी सिक्स करोड़ रुपीज़ की लागत से इस पे काम पूरा किया जा रहा है और दो साल के अंदर इस पोर्ट को तैयार कर दिया जाएगा फंक्शनल हो चुका है लेकिन पूरा रेडी अभी होना है अभी जो इसकी कार्गो कैपेसिटी है वो कम है धीरे धीरे इसको बढ़ा करके ज़्यादा किया जाएगा वन हंड्रेड सिक्सटीन मिलियन टन तक इसकी कैपेसिटी जानी है अच्छा अब ये भी मेजर uh, पोर्ट की तरह जब डेवलप हो जाएगा तो पूरे जगह का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा जैसे मुंबई कैसे डेवलप हुआ पोर्ट सिटी के वजह से ही डेवलप हुआ है ये तो मुंबई चेन्नई के लाइन्स पे मछलीपट्टनम को भी डेवलप करने की बात की जा रही है और इसकी कनेक्टिविटी नेशनल हाईवे दो एंड सो गुड़ीवड़ मछलीपट्टनम रेलवे लाइन ये सब इसको जोड़ देंगे तो मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी भी यहाँ पे आ जाएगी मल्टी मॉडल यानी अलग अलग मोड से कनेक्टेड रहेगा रोड से भी रेल से भी ओके चले आगे कर्नाटका अनाउंसेस फ्री बस ट्रैवल शक्ति स्कीम फॉर विमेन सो so, वुमेन के लिए एक और स्कीम देखी गई शक्ति स्कीम किसने लॉन्च की है कर्नाटका ने किए फ्री बस ट्रैवल जैसे यूज डे पे फ्री बस बस ट्रैवल बहुत सारे स्टेट्स अनाउंस कर देते हैं ना रक्षाबंधन पे कर देते हैं तो यहाँ पे इन्होंने ऑल टाइम कर दिया है कि लो भाई आप घूमो आपको पैसे नहीं देने हैं सो विद इन द स्टेट आप अगर फीमेल्स ट्रैवल करती है तो उनको आ, पे नहीं करना है ये तो चलिए एक स्कीम हुई उसके अलावा फोर स्कीम्स हैं जो कर्नाटका ने ऑल लॉन्च की हैं वो देख लेते हैं गृह ज्योति गृह गृह बोलते हैं ना हम घर है ना गृह ज्योति योजना तो उसमें 200 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्री में दी जाएंगी हर हाउस होल्ड को उसके बाद अन्य भाग्य स्कीम लॉन्च की गई जिसके अंदर 10 के जी ऑफ राइस या फूड ग्रेन पर फैमिली दिए जाएंगे फ्री गृह लक्ष्मी योजना ये था गृह ज्योति लाइट से रिलेटेड यह है गृह लक्ष्मी तो पैसे दिए जाएंगे जो भी हेड वुमेन है फैमिली की उसको टू थाउजेंड प्रोवाइड किए जाएंगे ओके okay, मंथली फिर युवा निधि युवा इज यूथ निधि इस पैसा तो जो भी अनएम्प्लॉयड यूथ है उनको अलाउंस दिया जाएगा थ्री थाउजेंड तक का अगर वो ग्रेजुएट है और फिफ्टीन हंड्रेड तक का अगर वो डिप्लोमा होल्डर है और ये कब तक दिया जाएगा दो साल तक दिया जाएगा अगर अपना कोर्स या डिप्लोमा करने के बाद उनको जॉब नहीं लगती है तो दो साल तक आप ये विद इन सिक्स मंथ्स अगर आपको नहीं लगी आपने अभी अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया छः महीने के अंदर अंदर आपको अगर जॉब नहीं मिली है तो आप इस स्कीम से जुड़ जाइए और दो साल तक आप ये Uh, जो अनएम्प्लॉयमेंट uh, uh, की जो अलाउंस है वो ले सकते हो पीएम मोदी डेडिकेट्स वेरियस प्रोजेक्ट्स टू नेशन इन कर्नाटका कर्नाटका में काफी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि प्रधानमंत्री जी ने डेडिकेट किए हैं जैसे कि आता है बेंगलुरु माइसुरु एक्सप्रेस वे बेंगलुरु माइसुरु एक्सप्रेस वे हंड्रेड एंड किलोमीटर लॉन्ग 10 लेन का एक्सप्रेस वे है 10 लेन एक्सप्रेस वे जिससे बेंगलुरु और माइसूरू के बीच में जो डिस्टेंस था पहले थ्री आवर्स का था अब वो घट करके सेवेंटी फाइव मिनट्स का रह जाएगा सवा घंटे कुछ का रह जाएगा एंड पी एम मोदी ने एक फाउंडेशन स्टोन भी ले किया है मायसूरू कुशाल नगर हाईवे का उसके अलावा आई आई टी धारवाड़ का नया कैंपस स्टार्ट uh, किया गया एट फिफ्टी करोड़ की लागत से और वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली में ये भी इनाग्रेट किया गया ओके सो वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म चेंज हो गया है रेलवे प्लेटफॉर्म ध्यान रखेंगे केरला लॉन्च मंथली स्टाइपेंड स्कीम फॉर जूनियर लॉयर्स जो जूनियर लॉयर्स होते हैं जिनको तीन साल नहीं हुए हैं अभी प्रैक्टिस करते हुए एक वन ऑफ द क्राइटेरियाज है और उनकी अगर एनुअल इनकम एक लाख रुपए से कम हो रही है तो आप इस आ, ये जो स्कीम है और अगर आप तीस साल से कम उम्र के हो जूनियर लॉयर कैटेगरी में तब आप एलिजिबल होगे तो आप खुद को इस मंथली स्टाइपेंड स्कीम से जोड़ सकते हो और हर महीने आपको तीन हजार रुपये का स्टाइपेंड केरला गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी ठीक है सो दिस इज द मंथली स्टाइप स्कीम फॉर जूनियर लॉयर्स केरला ने लॉन्च की है देन इंडियाज फर्स्ट वाटर मेट्रो लॉन्च इन कोची वाटर मेट्रो पानी में मेट्रो पे कोची सो इंडिया फर्स्ट वाटर मेट्रो लॉन्च इन केरला कोची डिस्ट्रिक्ट और ये आ, जो मेट्रो सर्विस है बेसिकली एक तरह की बोट है जो कि बैटरी ऑपरेटेड और इलेक्ट्रिक हाइब्रिड बोट्स हैं सो so, ऐसी बोट्स को लॉन्च किया गया है और ये किसने डेवलप की है बोर्ड्स कोची कोचिन शिप लिमिटेड ने की है केरला गवर्नमेंट ने इनको फंड किया है इन एसोसिएशन विथ जर्मन बैंक है के एफ डब्ल्यू इसके साथ मिलकर के सो पूछा जाए पहली भारत की पहली आ, वाटर मेट्रो सर्विसेज कोची केरला से लॉन्च की गई है ओके सो ये मेन न्यूज हो गई जो भी हमको डिस्कशन मांग रही थी उसके बाद ये तीन शॉर्ट न्यूज हैं जिनको सीधे सीधे हेडलाइंस की तरफ पढ़ लीजिए तो पहला आता है मध्य प्रदेश बिकम्स द फर्स्ट स्टेट टू तो प्रोवाइड एयर ट्रैवल फॉर पिलग्रिम्स जो तीर्थयात्री है उनको एयर ट्रैवल स्पॉन्सर करके देगा मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत फिर आ, मतलब एयर ट्रैवल फैसिलिटी देगा फैसिलिटी देगा ठीक है असम सीएम हेमंत बिस्व शर्मा इनग्रेटेड नॉर्थ ईस्ट इंडियाज फर्स्ट एवर कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट उत्तर पूर्व का सबसे पहला कंप्रेस बायोगैस प्लांट सीएम ने इनोग्रेट किया कहा कामरूप डिस्ट्रिक्ट के अंदर असम में राइट देन केरला सीएम पिनराई विजयन जो है जिन अभी हमने न्यूज में देखा है उनको सो केरला फाइबर ऑप्टिक्स नेटवर्क प्रोजेक्ट इन्होंने लॉन्च कर दिया है केरला ऑप्टिक फाइबर ये क्या है प्रोजेक्ट केरला का खुद का वाईफाई नेटवर्क सिस्टम होगा जो कि बहुत कम रेट्स में या फ्री में वहां की जनता को इंटरनेट सर्विसेज से जोड़ने के लिए चालू किया जा रहा है सो so, ये थी सारी इंपॉर्टेंट स्टेट न्यूज ओके और अब आप आगे बढ़ो साइनिंग ऑफ क्वेश्चन पे उससे पहले ये एक इन्फॉर्मेशन ले लीजिए कि जो स्टैटिक जी के कोर्स या जो पूरा जी ए कोर्स है परचम ऐप के ऊपर उसमें अब मल्टीपल वैलिडिटी ऑप्शन आ गए हैं पहले सिर्फ एक साल की वैलिडिटी आपको मिलती थी अब आप छह महीने तीन महीने वैलिडिटी पे भी ये कोर्सेज ले सकते हो सो ऑल दो ये कोर्स एस एस सी के लिए बनाया गया है एसपेरियंस के लिए लेकिन कोई भी वनडे का एग्जाम अगर आप दे रहे हो तो ये कोर्स आपके डेफिनेटली काम का है बिकॉज वही हिस्ट्री जोग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी साइंस और स्ट्रेटेजी के आती है और वो इसमें कवर की गई है तो कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम आप दे रहे हो इसको फॉलो कर लीजिए कोई स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम दे रहे हो और सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिया लेवल की जीके तैयार करनी है ये कोर्स आपके मतलब का है ओके अपार्ट फ्रॉम दैट एस स्टूडेंट्स इसमें टेस्ट सीरीज भी परचम ऐप के ऊपर आपको मिल जाएगी वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं कोई भी ज्यादा जानकारी चाहिए कोई भी कन्फ्यूजन हो रहा है कोर्सेज प्रोग्राम से रिलेटेड ऑलवेज यू हैव वन ई मेल एड्रेस वहां पे आप अपनी कंसर्न लिख सकते हो परचम क्लासेज जीरो सिक्स एट जी मेल डॉट कॉम ठीक है और ये स्ट्रेटेजी के कोर्स मैंने निमोनिक से ले रखा है तो ये है आपके लिए साइनिंग ऑफ क्वेश्चन अगर आपको इसका आंसर आता है दीजिए नहीं आता गूगल कीजिए बिकॉज कुछ ना कुछ खुद से भी मेहनत करनी चाहिए और जो भी चीज एक्टिवली इन्वॉल्व होकर के ढूंढोगे वो दिमाग में बहुत लंबे समय तक रुकेगी तो हमने सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स के अंदर दो स्कीम्स पढ़ी थी जो पिछला वीडियो था प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ठीक है और एक पॉइंट वहां मैंने इंक्लूड नहीं किया था मतलब वो पोस्टर में तो था पर मैंने बोला नहीं था अलग से और इसीलिए उसका क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया राइट तो आपसे पूछा जा रहा है कि वॉट आर द रिवाइज प्रीमियम रिवाइज प्रीमियम यानी कि जो संशोधित प्रीमियम है इन दोनों योजनाओं का वो कितना है यानी इंडिविजुअल्स को कितने रुपए देने पड़ेंगे सालाना तब जाकर के आप इसमें कवर हो सकते हो ओके okay? सो so, बताइए थ्री थर्टी फॉर पी एम जे जे वाई एंड फिफ्टीन फॉर पी एम एस बी वाई या फोर थर्टी सिक्स एंड पंद्रह रिस्पेक्टिवली फोर थर्टी सिक्स एंड ट्वेंटी रिस्पेक्टिवली या थ्री थर्टी एंड ट्वेंटी रिस्पेक्टिवली एबीसी में से कौन सा आंसर है आई वुड वॉन्ट यू टू राइट डाउन इन दी कॉमेंट सेक्शन यस एंड विथ दिस वी आर कमिंग टू दफ टूडे सेशन जाते जाते एक छोटी सी आ, बात जो कि कई बच्चे डिमांड करते हैं कि मैम वीडियो के एंड में कुछ पॉजिटिव कुछ मोटिवेटिंग कुछ लर्निंग जैसा हो जाए अपार्ट फ्रॉम द सब्जेक्ट दैट कोर्स वी कीप ऑन लर्निंग सो आज आपको एक छोटी सी कहानी है वो मैं बताती हूँ विच इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ पेन बाय जी आर डी डाटा जी आर डी डाटा की लाइफ से जुड़ा हुआ और उनके दोस्त की लाइफ से जुड़ा हुआ एक बहुत पॉपुलर किस्सा है आप में से कईयों को हो सकता है आता हो कहीं ने नहीं सुना तो आज सुनिए तो जे आर टाटा के एक फ्रेंड थे और उनकी केयरलेसनेस को लेकर के बहुत कंसर्न थी कि मैं मैं अपना पेन बहुत घुमाता हूँ मैं पेन को लेकर बहुत केयरलेस हूँ तो मैं कहीं भी जाता हूँ पेन घुमा देता हूँ तो आ, बोले कि देख मैंने आजकल क्या किया मैं एक सस्ता सा पेन रखने लग गया हूँ कि घुमा भी दूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है नुकसान नहीं हो तो जे आर टाटा ने बोला ये नहीं 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 ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी एक काम करो दुनिया में सबसे महंगा पेन जो है ना बिकॉज अफ्लुएंट थे बहुत रईस थे बोले दुनिया में जो सबसे महंगा पेन है वो खरीदो और फिर बाद में बात करेंगे तो ठीक है उनके फ्रेंड ने एक गोल्ड का पेन यहाँ जो आपको दिख रहा है ना इस तरह का एक गोल्डन पेन उन्होंने अपने लिए खरीदा छह महीने बाद वापस जेडी टाटा के इनके फ्रेंड से मिलना हुआ उन्होंने पूछा हाँ भाई पेन गुम किया क्या, क्या? गोल्ड वाला बोले नहीं, नहीं नहीं यार गोल्ड का पेन था कैसे घुमाऊंगा बिल्कुल संभाल के रखता हूँ और ना सिर्फ पेन संभालने की आदत हो गई है लाइफ में बहुत एरियाज में बहुत सी चीज़ें संभालना भी शुरू कर दिया है अब चीजें गुमती नहीं है तो यहाँ से सीखने की वाली सीखने वाली बात यह है यूजली हम बहुत सी चीज़ों को लेकर केयरलेस के होते हो क्रिप भी करते रहते कि हमारे अंदर ये प्रॉब्लम है हम टाइम को लेकर के केयरलेस हैं हम फ्रेंड्स को लेकर के या हम हमारी फैमिली को लेकर कर केयरलेस के हैं राइट right, हम खुद की हेल्थ को लेकर के केयरलेस हैं या फिर हम किससे क्या बोलते हैं उसको ले कर के केयरलेस है ध्यान नहीं रहता चीज़ें रख के भूल जाते हैं केयरलेस हैं सो दे कैन बी वेरी मेनी एरियाज़ जहां हम केयरलेस हैं और हम किस चीज़ में केयरलेस होते हैं कौन से एरियाज़ में केयरलेस होते हैं जिनकी वैल्यू हमारे लिए कम होती है हमारे दिमाग में हमारे माइंड में हमारे मन में जिस भी चीज़ की वैल्यू कम होगी उसके टुवर्ड्स हमारी केयरलेसनेस आ जाएगी जिसकी वैल्यू हाई होगी उसको लेके हम कभी केयरलेस नहीं होते क्या मम्मियाँ सोने का हार घुमा देती हैं नहीं लेकिन वो हो सकता है कोई रबर बैंड रख के भूल जाए आपका पेन रख के भूल जाए कोई घर का ऐसा सामान रख के भूल जाए कोई डॉक्यूमेंट रख के भूल जाए जो बहुत वैल्यू का नहीं है प्रॉपर्टी के पेपर्स कोई नहीं घुमाएगा राइट right? लेकिन नॉर्मल क्वेश्चन पेपर इंसान घुमा देते हैं दस रुपए का नोट घुमा दोगे दो हजार का नोट हम ज्यादा संभाल के रखते हैं उसके लिए हम केयरलेस नहीं होते राइट right? तो अगर किसी भी चीज के टुवर्ड्स अपनी केयरिंग अप्रोच बढ़ानी है उसके साथ एसोसिएटेड वैल्यू को जज करो अगर आप केयरलेस हो कि के भाई मैं फॉर uh, एग्जाम्पल इस पढ़ाई में मैं केयरलेस हो जाता हूँ मैं इस एग्जाम में केयरलेस मिस्टेक कर देता हूँ बहुत बच्चों का होता है तो क्या वो एग्जाम वो क्वेश्चन आपके लिए कितनी वैल्यू रखता है इज इट रियली एसोसिएटेड विद हाई वैल्यू इन योर माइंड तो जो भी चीज लूज हो जाती है आप केयरलेस हो लेकिन आप होना नहीं चाहते हो तो खुद बैठ के उसकी वैल्यू असेस करना मेरे फ्रेंड छूट जाते हैं तो क्या फ्रेंड्स को वैल्यू करते हो क्या वो आपके लिए वैल्यूएबल है नहीं है तो छूट दे दो वैल्यूएबल है तो फिर ऑटोमेटिकली जब आप बैठ करके सोचोगे हाँ इट इज वैल्यूएबल फॉर मी आप लूज नहीं करो जब एग्जाम में पांच अटैप्ट बचे होते हैं चार अटैम्प्ट बचे होते हैं हमारे लिए इतनी वैल्यू नहीं होती फर्स्ट अटैम्प्ट की लेकिन लास्ट अटेम्प्ट जब बचा हुआ होता है तो बहुत वैल्यूएबल हो जाता है हमारी केयर बढ़ जाती है राइट right? तो ये स्टोरी हमें ये सिखाती है द वैल्यू एसोसिएटेड विद एवरीथिंग विल डिसाइड वेदर यू आर केयरफुल और केयरलेस अबाउट टू डेज थॉट एंड मिलते हैं अगली ही वीडियो के अंदर देखते हैं कौन सा वीडियो आपके लिए लेकर के आते हैं पर जो मैंने आपको बताया वो ध्यान रखिएगा कि जब तक हम कुछ नहीं ला रहे हैं सिक्स मंथस का आप मंथली सी ए से डेफिनेटली उसको फॉलो कर सकते हो टेक गुड केयर ऑफ सी यू वेरी सुन